सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस टाइप का रेड मोड इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं अपने पिक्चर के अंदर, वो भी बहुत सिंपल तरीके से एंड ओनली लाइट रूम यूज़ करके। तो आज आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करते हुए पूरा एंड तक देखना वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर देना। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो डालता रहता हूँ हर टाइम। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रो के साथ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, मैं फ़ोटो को ओपन कर लिया हूँ इस लाइट रूम के अंदर। ठीक है, तो इस फोटो को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग रेड मोडी कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं आ जाऊँगा इस लाइट वाला ऑप्शन पर, यहाँ पर देख सकते हो जो सूरज बना हुआ है इस आइकॉन पर। एंड आने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पहले ही एकदम सबसे पहले हाईलाइट कम करूँगा इस पिक्चर का। यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में बहुत ही हाईलाइट है, तो हाईलाइट को एकदम बिल्कुल ही कम कर दूँगा। और कम करने के बाद देख सकते हो अब ठीक लग रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिखाया था बिफोर वाला, ये देख सकते हो बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला। तो हाईलाइट कम हो गया है। अब क्या करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर करके देखूँगा। हाँ, तो कॉन्ट्रास्ट कम करने पर अच्छा लग रहा है, जैसे कि तो मैं 10 कर देता हूँ। और एक्सपोजर यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो शैडो है, शैडो में दिख लेता हूँ कि किधर ले जाने से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कम कर रहा हूँ तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, शैडो डाल देता हूँ, मतलब 8 कर देता हूँ। एंड वाइट एंड वाइट, सॉरी गाइस। और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है तो इसको भी कम कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये वाला ऑप्शन को भी कम कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ब्लैक, मतलब ऐसे ही मेरा यहाँ पर जो मॉडल का फेस है यहाँ पर ऐसे ही वाइट है, उतना ब्लैक भी नहीं है, इसीलिए ब्लैक को भी कम कर दिया थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सिंपली कलर टूल पर, और यहाँ पर कलर टूल में आने के बाद वाइब्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पर कुछ इतना 30 या 31। उसके बाद सैचुरेशन कम करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इतना जाने के बाद आ जाऊँगा मिक्स टूल पर, और यहाँ पर जो रेड है उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आ जाऊँगा ऑरेंज कलर पर, और ऑरेंज कलर में आने के बाद मैं यहाँ पर जो सैचुरेशन है थोड़ा सा कम करूँगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फेस का जो कलर था, पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, फेस का कलर कुछ इस टाइप का था, देख सकते हो रेड रेड ऑरेंज लग रहा है फेस देखने में। तो सैचुरेशन कम करने पर देख सकते हो फेस का जो जो ऑरेंज कलर था हल्का सा, वो चला गया है। और अब मैं फेस को और भी ज़्यादा वाइट करूँगा, मतलब वाइट करने के लिए सिंपली आप लोगों को लूमियंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, जितना वाइट चाहिए आप लोगों को। अगर इतना वाइट चाहिए तो इतना इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं 30 रखता हूँ, और यहाँ पर जो येलो है, यहाँ पर येलो को मैं फुल डिक्रीज़ कर दूँगा ह्यू को। ठीक है, फुल डिक्रीज़ करने के बाद सैचुरेशन थोड़ा सा डालूँगा, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को भी ह्यू को जो है फुल डिक्रीज़। ठीक है, और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोगों को वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देख लेना होगा कि आप लोगों का पिक्चर मतलब कैसे बन रहा है। मतलब आप लोगों का पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो सैचुरेशन 32 डाला हूँ, मतलब अभी 36, तो आप लोग भी 36 मत डाल देना। आप लोगों को पिक्चर के अंदर मतलब कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, 36 डाल के या 40 डाल के, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से रेड मोडी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सैचुरेशन फुल कर दूँगा। ठीक है, और कुछ इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आऊँगा इस कलर पर, और इस कलर में आने के बाद यहाँ पर तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा है। जैसे तो ऊपर का जो यहाँ पर जो सीएन कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम करने से थोड़ा सा येलो कलर आ रहा है, तो इसको कम कर देता हूँ और सैचुरेशन थोड़ा सा डाल देता हूँ। और जो यहाँ पर ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में आने के बाद ह्यू को कम करूँगा शर्ट का कलर चेंज करने के लिए। यहाँ पर जो शर्ट है तो यहाँ पर सैचुरेशन थोड़ा सा डाल देता हूँ, और लुमियंस थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, और उतना हो जाने के बाद यहाँ पर इस कलर में आऊँगा, ह्यू को कम करूँगा थोड़ा सा, और ऊपर से डन। ठीक है, तो हो गया है जैसे देख सकते। तो अब आऊँगा मैं इस कलर प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इस ऑप्शन पर, तो क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आर्टिस्टिक 03। ठीक है, इस ऑप्शन को अप्लाई कर देना है, और करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर गाइस कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर आ गया है। तो इसको हम लोगों को रेड करना होगा। रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ
इसको मतलब इसका जो अमाउंट है देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज आया और इसके अमाउंट को मैं फुल कर दूंगा मतलब रेड करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मोडी रेड है वो आ चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पर जैसे कि देख मैं पहले ऊपर से डन कर देता हूँ डन। यहाँ पर जैसे देखते हो फेस का कलर भी चेंज हो गया है मतलब मोडी रेड हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करूँगा फेस को कलर फिक्स करने के लिए सिंपली जाऊँगा इस कलर टूल के अंदर और कलर टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पर मिक्स टूल के अंदर जाऊँगा और यहाँ का जो ये जो ऑरेंज है यहाँ पर इस ऑरेंज कलर में ह्यू जो है ह्यू को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करूँगा ठीक है और जो सेचुरेशन है थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा और लूमिनस थोड़ा सा हाई करूँगा। तो अब देख सकते हो सही लग रहा है और ऊपर से कर दूँगा डन। और डन करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो गाइस अभी से पिक्चर कितना अच्छा लग रहा है मतलब अभी से क्या लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो आप लोग और भी मतलब जो रेड है जो यहाँ पर मोडी रेड है वो भी और भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर सेचुरेशन डाल सकते हो मतलब यहाँ पर वाइब्रेशन यहाँ पर इंक्रीज करने पर देख सकते हो और भी यहाँ पर हो रहा है कुछ इतना जितना हो सके आप लोग मर्जी डाल सकते हो। तो उतना तो अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पर मैं 55 डालता हूँ यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ठीक है। और यहाँ पर इस टोल पर आऊँगा क्लियरिटी थोड़ा सा डालूँगा जो विग्नेट ऑप्शन है वो थोड़ा सा डालूँगा यहाँ पर कुछ इतना ठीक है। और यहाँ पर जो ए ऑप्शन है जो शार्पनिंग है ऊपर ही इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा नॉइज रिडक्शन इंक्रीज डिटेल्स यहाँ पर रहना देता हूँ और कलर्स रिडक्शन भी कलर्स नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज ठीक है। तो स्मूथ मुझे उतना नहीं चाहिए इस पिक्चर के अंदर मुझे डिटेल्स ज़्यादा चाहिए तो मैं स्मूथ को थोड़ा कम कर दिया हूँ एंड डिटेल्स को थोड़ा मतलब 50 पर रख दिया हूँ यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मिलता है यहाँ पर लाइट रूम पर आने के बाद यहाँ पर क्रॉप वाला टूल देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लिप शैडो का ऑप्शन मिलता है तो इसको अप्लाई करूँगा ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद ऊपर से डन। तो ये देख सकते हो जैसे कि ये वाला पिक्चर आप लोगों को मैं बिफोर वाला दिखाता हूँ एक बार ये देख सकते हो गाइस बिफोर वाला और ये रहा गाइस आप लोगों के सामने आफ्टर वाला मतलब रेड मोडी। अगर ये पिक्चर सिंपली रेड होता तो उतना खास नहीं लगता लेकिन मोडी टाइप का रेड किया हूँ इसलिए बढ़िया लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए तो लाइक कर देना गाइस और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अपना ख्याल रखना।